बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में दिल्ली की फेमस रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो ये जामा मस्जिद पे बहुत ही शौक से खाया जाता है। तो आज मैं चिकन फ्राई बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमने लिया है 1.5 किलो चिकन लिया है। इसको देखिए, हमने इस तरह से धोकर और रख लिया है। इसमें बड़े बड़े कट लगा दिए हैं ताकि ये हमारे मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाए। इसी तरह से हमने बड़े बड़े सारे पीसेस में इस तरह से कट लगा दिए हैं। इसके अलावा हमने मसालों में लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 4 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटी बाउल हमने दही लिया है, ये हमारा होममेड है, और ये हमने 1 लेमन लिया है, इसका जूस निकाल दिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने चिकन ले लिया है, उसमें दही ऐड करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, बेसन, कॉर्नफ्लोर। उसके अलावा हमें ये सूखे मसाले ऐड करने हैं, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और ऑरेंज फूड कलर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको हमें स्पून से मिक्स करना है, फिर उसके बाद इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। अगर इसको हम हाथ से अभी मिक्स करेंगे तो ये ऑरेंज कलर हमारा हाथ पे लग जाएगा। चिकन को देखिए, हमने पहले स्पून से मिक्स किया था, उसके बाद हमने हाथ से मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए, सभी साइड से इस पे मैरिनेशन लग गया है। अब इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमने एक दूसरा बाउल ले लिया है, उसमें इस तरह से इन सारे चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। चिकन को हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 30 मिनट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, और उसके बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। इसको देखिए, बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। देखिए, सभी बड़े बड़े पीसेस को हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक गोल्डन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई जामा मस्जिद की बहुत ही फेमस रेसिपी है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको बड़े और बच्चे दोनों ही शौक से खाते हैं, ये सभी को बहुत पसंद आता है। तो मेरे घर में तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है फ्राई चिकन। देखिए, चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसी में रहने देंगे। देखिए, हमारा जामा मस्जिद स्टाइल फ्राई चिकन बनकर तैयार है। बहुत ही स्पाइसी एंड डिलीशियस बना है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।